नमस्कार, अभी हम साबरमती आश्रम में विराजमान है। यह वह स्थली है जहाँ पर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान हस्ती कभी मीटिंग किया करते थे। यह रसोई घर जहाँ स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी तथा अन्य लोगों का भोजन बना करता था। ये सारे बर्तन जो कभी महात्मा गांधी के द्वारा, बापू के द्वारा यूज में लाया गया था, यह प्रांगण, यह आंगन जहां कभी भारत के इतिहास लिखने वाले बैठा करते थे, घूमते थे। यह वही स्थल है जहां से स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखा गया, कस्तूरबा गांधी रूम। ये कस्तूरबा गांधी, उनकी पत्नी का छोटा सा रूम जो अपने आप में बहुत सारे इतिहास को समेटे हुई है। यह स्थल जहां कभी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के साथ बैठा करते थे। सर, ये क्या है जी? ये जो पुराने जमाने में जो आटा पीसा। ओके ओके, ये आटा पीसने का वो स्थली। कितना अद्भुत, कितना अकल्पनीय। बापू का जीवन बहुत ही सरल था, बहुत ही ज़्यादा, और बापू हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहे। बापू के विचार हर भारतीय के जीवन में प्रेरणा लेके हर सुबह एक नया संदेश देगा कि अहिंसा ही परमो धर्म। धन्यवाद सर। अहिंसा ही वो धर्म है जो न केवल भारत को प्राचीन समय में जगत गुरु बनाने में सफल हुआ, बल्कि आने वाले भविष्य में यही वह गुरु मंत्र है जिसे अगर हम सभी अपनाते हैं तो पुनः अपने पुरानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को वह पंचम ध्वजा लहरा पाएंगे और वह स्वर्णिम इतिहास को पुनः जागृत कर पाएंगे। यह वो रूम जहां कभी महात्मा गांधी बैठा करते थे, वह जगह जहां बैठते थे, और वो पुराना चरखा। न जाने असंख्य लोग प्रत्येक दिन यहां आते हैं और अपनी श्रद्धा सुमन देकर अहिंसा सत्य के बारे में न जाने कितने शपथ लेते हैं। महात्मा गांधी का एक अनूठा प्रयोग रहा, हमेशा ही स्वदेशी का अर्थ केवल स्वदेशी ही नहीं है, अपने पैर पर खड़ा होना और विदेशी सामग्रियों का बहिष्कार कर अपने लोगों में अपने पैर पर खड़ा होने का एक नया रास्ता बताना। एक छोटी बच्ची चरखा सीख रही है, जो चरखा सीख रही है, कैसे रुई में से धागा बनता है। ये नन्हा भविष्य भारत का जमा करते थे, है ना? ऐसे गांधी बापू अपना कपड़ा खुद बनाते थे। क्यों? हम विदेश की कोई भी चीज क्यों यूज करते, है ना? आज भी यह उतना ही परिचायक है जिस तरह चाइनीज सामग्री अपने अर्थव्यवस्था को कितना
खराब कर रहा है या किया है, जिसे महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही समझ ली थी। यदि हम अपने पैर पर खुद खड़ा होंगे, कुटीर उद्योगों पर जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतना ही भारत समृद्ध होगा। मैम आप कुछ बोलेंगी? नमस्ते, मैं प्रतिमा बहन, यहाँ हृदय कुंज में कम्युनिकेटर हूँ। तो गांधी जी के बहन जी आपको जूता नीचे उतारना। गांधी जी का ये कर्म भूमि रही, इस घर का नाम है हृदय कुंज। ये नाम रखा काका साहेब कालिलकर ने इस घर का, और बापू की ये कर्म भूमि इसीलिए कहते हैं कि यहीं से सब देश विदेश के मेहमानों के साथ गांधी जी देश की आज़ादी के कार्यक्रम, समाज सुधार के कार्यक्रम उन्होंने यहाँ से भारत आने के बाद जो है शुरुआत किया था। तो ये हृदय कुंज जो है गांधी आश्रम का बहुत ही महत्व का समय और स्थल है, जो बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ये इसका है। और 1918 से 1930 तक 12 साल बापू इसी घर में रहे थे, और दांडी यात्रा जब यहाँ से उन्होंने नमक का सत्याग्रह शुरू किया तब प्रतिज्ञा लिया था कि जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं होगा मैं इस आश्रम में पैर नहीं रखूँगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लेके निकले थे हमारे देश की आज़ादी की, और 1930 के बाद इस घर में वापस नहीं आए। यहाँ से जाने के बाद सेवाग्राम आश्रम वर्धा चले गए। तो 5 हेरिटेज प्लेस हैं इस आश्रम के, नंदिनी निवास, विनोबा कुटीर, हृदय कुंड, प्रार्थना भूमि और मगन निवास, जो गांधी जी के भतीजे थे। और वहाँ अलग अलग सब आश्रम चरखे के मॉडल्स का एग्जीबिशन है, वो भी सभी बहुत लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धा से बापू को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। अभी सलमान खान इतनी बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ बापू के दर्शन करने आए थे और बड़े भावुक हो गए थे, और उन्होंने चरखा भी चलाया, इतनी श्रद्धा से वो चरखा चला रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमने उनको चरखा सिखाया तो बोले कि अभी मैं फिर से सीखने के लिए आऊँगा, पूरा सीख के जाऊँगा। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। यह एक अद्भुत स्थली है जहाँ कभी भारत के इतिहास को लिखने वाले बैठा करते थे। यह स्थली भारत, नवीन भारत का उद्गम स्थल, सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबों की कर्मस्थली का वह स्थान जहां से भारतीय इतिहास की सभ्यता संस्कृति की एक नई ज्योति जागृत हुई। यह आश्रम देखने के बाद अपने आप में महात्मा गांधी के कार्य एवं उनकी सादगी के बारे में जानने को मिलता है। कितना अद्भुत, कितना अद्वितीय, कितना अविश्वसनीय। ये भागती हुई दौड़ती हुई दुनिया से बाहर कितना शांति। कभी आए साबरमती के इस आश्रम में और कुछ पल गुजारे, देखें अपने इस अद्भुत क्षेत्र को। धन्यवाद।